हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू लर्न विद इतिवन। तो देखिए, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रयागराज द्वारा वैकेंसीज जो है वो बहुत आई है, जो कि टीजीटी और पीजीटी पोस्ट के लिए है। ठीक है, तो ये आपको देखनी है कि ये न्यूज़ जो है वो 29/10/2020 की है, यानी कल की ही ये न्यूज़ है। तो हम इसे डिटेल में देखेंगे कि इसके लिए आप जो एलिजिबल हैं या नहीं हैं, और कितना का फॉर्म है, ये फॉर्म की लास्ट डेट कब है, ये सभी हम देखेंगे। तो देखिए, पोस्ट जो है वो आपकी टीजीटी और पीजीटी इन दोनों के लिए है। टीजीटी में यदि आपने ग्रेजुएशन के साथ बीएड किया है, चाहे वो बीएड आपने इंडिया में कहीं से भी किया हो, तो आप एलिजिबल हो। ठीक है, एक ये बात हो गई। नेक्स्ट, आप पीजीटी की अगर बात करें, तो पीजीटी में अगर आपने किसी भी सब्जेक्ट में मास्टर डिग्री ली है, तो आप एलिजिबल हो। यहाँ बीएड की कोई भी जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए। तो इसके लिए आप ये जो वेबसाइट है upsessb.org, यहाँ पर जाकर खुद भी चेक कर सकते हो डिटेल में। चलिए, ये न्यूज़ जो है देखिए, बिल्कुल ये न्यूज़ जो है ये आपकी 29/10/2020 की है। अब हम सबसे पहले देखेंगे टीजीटी के पोस्ट के लिए क्या-क्या आपको चाहिए। तो उससे पहले आपकी जो डेट है ये 29/10/2020 की है फॉर्म भरने की। ठीक है, अब आपके फॉर्म जो है वो स्टार्ट हो चुके हैं, आप फॉर्म भरिए 29/10/2020 को। और इसकी अंतिम डेट जो है वो 27 नवंबर है, देख लीजिए। इसके बाद आपका कोई भी फॉर्म जो है वो नहीं लिया जाएगा, तो इससे पहले ही आप इसे भर लीजिए। बिल्कुल आप चूकिए मत, और इस वैकेंसीज को अपने हाथों से जाने मत दीजिए, क्योंकि बहुत अच्छी वैकेंसीज है। यहाँ पर आपको जो मैं बताऊंगी कि आपका जो रिटर्न एग्जाम है वहां आपको क्या क्या फायदा मिलने वाला है। देखिए, यहाँ पर पोस्ट जो है वह टीजीटी की, टीजीटी वालों की है 12,913। ठीक है, बहुत ज्यादा पोस्ट है, 12,913। तो और जिसमें जो बॉयज और गर्ल दोनों के लिए ही अलग अलग पोस्ट जो है वो दी हुई है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये आपकी साइट है, वेबसाइट, तो इस पर जाकर आप बिल्कुल पीडीएफ जो है वो निकाल सकते हैं और देख सकते हैं, और एक एक पॉइंट को अच्छे से पढ़ भी सकते हैं। ठीक है, और सबसे पहले ये भी पता होना चाहिए आपको कि आप के लिए यहाँ पर जो लिखित परीक्षा होगी, रिटर्न एग्जाम जो होगा, वह केवल रिटर्न एग्जाम ही होगा, कोई इंटरव्यू वगैरह नहीं होगा। और आपका जो क्वेश्चन पेपर है उसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग भी नहीं होगी। तो देखिए, आपको यहाँ पर फायदा ही मिल रहा है। और जो आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लोग हैं, ईडब्ल्यूएस के, इनको 10% जो है आरक्षण मिलेगा। लेकिन उसके लिए जरूरी है कि ये यूपी के निवासी हो, उत्तर प्रदेश के निवासी हो। अगर किसी और राज्य के निवासी हैं, तो उनके लिए ये आरक्षण जो है वो लागू नहीं होगा। देखिए, रिटर्न एग्जाम जो है वहां पर नेगेटिव मार्किंग नहीं है, बिल्कुल नेगेटिव मार्किंग नहीं है। बिल्कुल आराम से आप हर क्वेश्चन को पढ़कर उसका आंसर जो है वो टिक करें। ठीक है, तो यहाँ पर आपके दो फायदे मिल रहे हैं। एक तो आपके एग्जाम में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, केवल एक ही आपका एग्जाम है और कोई भी इंटरव्यू नहीं है। उसके बाद अगर किसी बच्चे ने बीएड जो है उसमें अपीयरिंग है, यानी बीएड का लास्ट ईयर है, और उसकी मार्कशीट हाथ में नहीं आई है, तो देखिए उसे ये फॉर्म नहीं भरना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर दिया हुआ है साफ साफ कि बिल्कुल भी वो बच्चा नहीं भर सकता है जिसका बीएड की मार्कशीट जो है वो उसके हाथ में नहीं आई है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे आवेदन शुल्क की। तो देखिए, सामान्य वर्ग जो है, जनरल कैटेगरी के, उनके लिए आवेदन शुल्क जो है वो 750 रुपये है। ईडब्ल्यूएस के लिए 450 रुपये है, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 750 है, और अनुसूचित जाति के लिए 450, और अनुसूचित जनजाति के लिए 250 वर्ग है। तो ये चीज जो है वो आपको देखनी है, और आप डिटेल में इसे अच्छे से एक एक पॉइंट को पढ़िएगा, क्योंकि ये आपके लिए बहुत जरूरी है। अगर एज की बात की जाए, देखिए एज की बात की जाए, तो यहाँ पर भी आपको फायदा मिल रहा है। आपकी एज जो है वो 21 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। उसके बाद आप चाहे 40 ईयर के हों, 50 ईयर के हों, 60 ईयर के हों,
कोई मैटर नहीं करता है, किसी भी एज के हों आप फॉर्म भर सकते हैं, टीजीटी और पीजीटी दोनों के लिए। अगर पे स्केल की बात करें तो देखिए बहुत अच्छा पे स्केल है, देखिए 44,900 से स्टार्ट होता है और 14, उसके बाद देखिए 142,400 यहाँ तक जो है वो आपका पे स्केल जो है वो जाता है, तो बहुत अच्छा पेमेंट जो है वो आपको मिलेगा। उसके बाद देखिए कि जो लिखित परीक्षा है वो किस तरह की होगी, तो ये लिखित परीक्षा जो है इसमें 500 अंकों का एक प्रश्न पत्र होगा, बिल्कुल एमसीक्यूज टाइप के होंगे, यानी ऑब्जेक्टिव होंगे आपके, वस्तुनिष्ठ प्रकार के क्वेश्चन पेपर होगा आपका। प्रश्न पत्र में मात्र 125 क्वेश्चन होंगे, ठीक है, मात्र 125 क्वेश्चन होंगे, प्रत्येक प्रश्न 4 अंकों का होगा, सभी प्रश्न अनिवार्य होंगे और यहाँ कोई नेगेटिव मार्किंग तो है ही नहीं। तो देखिए कितना अच्छा सुनहरा मौका है, इस मौके को आप न गवाएं। और जो टाइम है वो 2 घंटे का होगा, यानी 2 घंटे का पेपर और 125 क्वेश्चन आपको करने होंगे, हर क्वेश्चन कितने मार्क्स का होगा, 4 मार्क्स का होगा। तो आप कहीं से भी आपने बीएड किया हो, जरूरी नहीं है आपने राजस्थान से किया है, जरूरी नहीं है आपने बिहार से किया है, जम्मू कश्मीर से किया, आपने कहीं से भी किया है लेकिन इंडिया के अंदर, तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद देख लेते हैं और क्या खास बात है जो कि आपको जानना बहुत जरूरी है। यहाँ हमने बात अभी हम कर रहे हैं किसकी, टीजीटी वालों के लिए, ठीक है। उसके बाद देखते हैं ये फॉर्म है जो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए जो प्रमाण पत्र है उनके लिए है, इनको इनको भरने के बाद ही इन्हें जो आरक्षण है जो भी मिलता है वो इन्हें मिलेगा, ठीक है। तो ये जो फॉर्म है ये भी दिए हुए हैं। अब देखिए यहाँ पर दिखाया गया है सारणी संख्या 1 में कि किस किस पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसीज हैं। देखिए हिंदी के लिए जनरल की बात करें तो 1054, और ओबीसी के लिए 405, एससी के लिए 276 और एसटी के लिए 7, यानी टोटल 1742 जो है वो वैकेंसीज हैं। इसी तरीके से मैथ की, गृह विज्ञान की, उर्दू की, ये जो पोस्ट हैं ये केवल टीजीटी जो बालक वर्ग हैं वहां से आप फॉर्म भरना चाहते हैं उनके लिए हैं ये पोस्ट। तो ये सभी आप अपने अपने सब्जेक्ट की देख लीजिए कि कौन सी कितनी पोस्ट जो है वो यहाँ पर दी हुई है, ठीक है, यदि आप टीजीटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो ये आपको मैंने बता ही दिया है कि जिनका बीएड कंप्लीट हो, मार्कशीट हाथ में हो, वही लोग इसका फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद देखिए जो महिलाओं वर्ग है, महिला वर्ग, उनके लिए जो पोस्ट है वो बिल्कुल अलग है उनसे। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि हिंदी की 125 है जनरल की, ओबीसी की 52 है, एससी की 37 और एसटी की यहाँ 0 दी हुई है, तो टोटल 214 है। तो इसी तरीके से आप अपने अपने सब्जेक्ट की जो है वो देख लीजिएगा। उसके बाद हम देखते हैं, अब हम देखते हैं पीजीटी। तो पीजीटी के लिए मैंने आपको बताया कि पीजीटी के लिए जो आप एलिजिबल कैसे हो सकते हैं, यदि आपने पोस्ट ग्रेजुएशन या मास्टर डिग्री आपने किसी भी सब्जेक्ट में की है जो यहाँ पर दिखाई देंगी आपको, तो आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। आपकी बीएड ना हो चलेगा, क्योंकि आप बीएड नहीं कर रखी है तब भी आप इसके लिए एलिजिबल हो, और अगर आपने बीएड की हुई है तब उसके लिए आपको वरीयता दी जाएगी, ठीक है, लेकिन कंपलसरी नहीं है आपके लिए। तो यहाँ पर देखिए कि हिंदी के लिए बीए हिंदी और संस्कृत इन दोनों में इंटरमीडिएट से होना चाहिए, और समकक्ष परीक्षा एवं बीएड या अन्य समकक्ष डिग्री, यानी कि आपके बीए में हिंदी और संस्कृत इन दोनों सब्जेक्ट का होना बहुत जरूरी है, और आपने बीएड की डिग्री ले रखी हो, ठीक है, ये किसके लिए, हिंदी के लिए है। और अनिवार्यता क्या है कि बीएड का होना कंपलसरी है, और वरीयता यदि आपने एमएड कर रखा है, पीएचडी कर रखा है, या फिर आपने कोई एक्टिविटी जो है उसमें पार्ट लेकर और फिर आपने राष्ट्रीय स्तर पर जो सर्टिफिकेट ले रखा है तो आपको वरीयता मिलती है। इसी तरीके से मैथ की है देख लीजिए, इसी तरीके से गृह विज्ञान की, उसके बाद उर्दू की, अंग्रेजी की, संस्कृत की, तो इन सभी जो सब्जेक्ट है वो आपने ग्रेजुएशन में लिए हो, साथ में बीएड की हो, एमएड और पीएचडी की हो, तो आपको वरीयता मिलती है। यहाँ पर देखिए शारीरिक शिक्षा की है,
सिलाई वालों के लिए भी पोस्ट है, साइंस के लिए भी है, सामाजिक विज्ञान वालों के लिए भी पोस्ट है। लेकिन यहाँ एक चीज ध्यान रखनी है कि जो एसएसटी के बच्चे हैं सामाजिक विज्ञान के, इन्होंने ग्रेजुएशन में इनमें से दो सब्जेक्ट जो है वो लिए हो, यानी ग्रेजुएशन में इतिहास और राजनीतिक शास्त्र दो सब्जेक्ट होने चाहिए, या भूगोल और अर्थशास्त्र, इन चारों में से कोई दो सब्जेक्ट का होना कंपलसरी है। ठीक है, ये याद रखना है। बहुत अच्छी वैकेंसीज हैं 12,000 के लगभग, और इसके अलावा अगर आपने मास्टर डिग्री ली हुई है तो आप पीजीटी के लिए अप्लाई कर सकते हो, और बिल्कुल आपको करना चाहिए। ये मौका जो है वो आपको वहां से नहीं जाने देना चाहिए। देखिए मात्र 125 क्वेश्चन है वो आपको करने हैं, हर क्वेश्चन जो है वो 4 मार्क्स का है, और पीजीटी वालों के लिए देखिए रिटन एग्जाम के साथ साथ इंटरव्यू जो है वो भी होगा। ठीक है, उनको इंटरव्यू देना है, लेकिन जो टीजीटी वाले हैं उनके लिए मात्र लिखित परीक्षा है, आपको केवल लिखित परीक्षा जो है वो पास करनी है। बहुत अच्छा मौका है आपके पास, आप इस मौके को जाने मत दीजिएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।